हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ ये माता रानी के मैंने जो कपड़े बनाए हैं, तो मैंने किस तरीके से बनाए हैं आपको बताऊंगी मैं। ये चोली है और ये चुंदरी है और लहंगा है। तो चले बने रहिए मेरे चैनल पर और बताऊंगी। देखिए मैंने किस तरीके से बनाए हैं। तो ये मेरे पास लेस कुछ पड़ी थी और एक कपड़ा रखा था, तो मैं आज इसी को यूज करने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने 20 इंच करीब लंबाई है इसकी और 6 इंच करीब चौड़ाई है, यानी 7 इंच, 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो मैं निशान लगा लूँगी और यहाँ से मैं कट कर लूँगी इसको। तो देखिए मैंने कट कर लिया है और ये है नेफा माता रानी के लहंगा का। तो मैंने 6 इंच रखा है और 4 इंच चौड़ाई है इसकी। तो मैं दोनों साइड से इसे फुल कर लूँगी और अब इसमें चिन्नट लगाऊँगी यहाँ। तो देखिए इस तरीके से मैं बनाऊँगी। अरे छोटी छोटी चिन्नट लगाऊँगी यहाँ पे। ये वेलवेट का कपड़ा है। तो देखिए मैंने ये चिन्नट यहाँ तक बना ली हैं। और अभी ये नेफा है तो मैं दोनों साइड में से सिल लूँगी। और इसके नीचे रख के हम इसको सिलाई कर देंगे। मैंने नीचे नेफा रख लिया है और ऊपर से सिलाई कर दूँगी इसके। अब देखिए, अब सीधा कर लिया मैंने। तो इसको यहाँ से फोल्ड करके नेफा को इस तरीके से मैं सिलाई कर दूँगी इसके ऊपर। देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ लेस लगाऊंगी, पतली वाली लेस ऊपर लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ लेस लगा दूंगी इसके ऊपर निफा के। और जो मेरे पास चौड़ी लेस थी वो मैं नीचे लगाऊंगी। ये कुछ इस तरीके से। और ये है चोली, तो 6 इंच की लंबाई है और 4 इंच चौड़ाई है इसकी। तो मैंने वी गला काट लिया है इसका और मैं चारों तरफ से, यानी 3 तरफ से इसे सिल दूँगी। नीचे की तरफ नहीं सिलूँगी, यहाँ पे लेस लगाऊँगी और गले पे भी सिलाई कर दूँगी इसके। देखिए इस तरीके से। साइड में मैंने सिलाई लगा दी है। देखिए इस तरीके से आएगी ये।
अब यहाँ नीचे लेस लगा दूंगी पतली वाली। और गले पे भी लेस लगा दूंगी इस तरीके से। और जो मैंने कपड़ा लिया है देखो, फोल्ड करके चार फोल्ड कर लिए हैं इसके, तो मैं तिकोनी तरह तरीके से सिल दूंगी इसको और इसके नाड़े में लगा दूंगी इसको, लहंगा के नाड़ी में लगाऊंगी। और जो कंधे हैं उसके चोली के, उसमें भी लगा दूंगी इसी तरीके से। देखिए इसके उल्टा करके इस तरीके से आएगा ये। और ये है चुंदरी, तो 20 इंच की चौड़ लंबाई है और 12 इंच की चौड़ाई है इसकी। तो मैं इसको बनाऊंगी, तो देखिए पतली वाली लेस में लंबाई की तरीका से लगाऊँ, लंबी साइड में लगाऊंगी और चौड़ी वाली लेस चौड़ाई में लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से। तो बन के तैयार हो गई हमारी।